नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सत्ता और कॉरपोरेट के भ्रष्ट गठजोड़ से क्या हासिल होता है, अगर इसे समझना चाहते हैं तो मित्रों के कारनामों की दास्तां आज हमसे सुनिए। हम आपको मित्र का मतलब तो समझा ही चुके हैं, यानी मोदी जी और अडानी जी की मित्रता ने किस तरीके से गौतम अडानी को कहां से कहां पहुंचाया, उसमें सत्ता की कितनी बड़ी भागीदारी थी, आज उसकी पूरी दास्तां हम आपके सामने लेकर आए हैं। गौतम अडानी को अगर सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी थी तो कैसे सत्ता ने उनका सहयोग किया, कैसे जांच एजेंसियों के सहारे गौतम अडानी ने इस कदर अपना साम्राज्य बढ़ाया कि वो 8 सालों में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मोदी सत्ता ने अपने जांच एजेंसियों से पुराने मालिकों के नस ऐसे दबाए कि सब कोई नतमस्तक होकर अडानी के आगे अपना साम्राज्य लुटा आया। कैसे क्या हुआ, मीडिया हो या फिर कोई उद्योग हो या फिर कोई और संस्था, जहां भी अडानी ने चाहा वहां कदम रखा और उस पर अपनी छाप छोड़ दी। कैसे संभव हुआ, बिना सत्ता के दुरुपयोग के यह संभव नहीं था और गौतम अडानी ने उसका भरपूर प्रयोग किया, भरपूर फायदा उठाया। हम आपको पॉइंट दर पॉइंट गौतम अडानी की कंपनियों ने जिन जिन कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिन पोर्ट्स को, एयरपोर्ट को, जिन सीमेंट कंपनी को, जिस मीडिया संस्थान का उन्होंने अधिग्रहण किया, उससे पहले मोदी सत्ता ने वहां जांच एजेंसियों का हंटर चला रखा था। जिस कदर मोदी सत्ता ने जांच एजेंसियों के सहारे उन कंपनियों पर इतना दबाव बनाया, आखिरकार वो लोग मजबूर होकर शायद अडानी के चरणों में गिरे और अडानी ने उन सबको अधिग्रहण कर लिया, सबको खरीद लिया। हम सबके नाम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल यह उठता है, क्या गौतम अडानी अपना खुन्नस हिंडनबर्ग से निकालेंगे? जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोयला का खदान खरीद सकते हैं तो क्या अमेरिका में हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग रिसर्च फर्म को भी खरीद सकते हैं, जो फाइनेंशियल फर्म है उसे भी खरीद सकते हैं? बीबीसी पर भी रेड पड़ा है, बीबीसी को भी खरीद सकते हैं क्या? लेकिन यह संभव नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा आगे बताएंगे, लेकिन जो मूल खबर है उसे जरा ध्यान से देखिएगा। अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर का यह शीर्षक देखिए, मुंबई एयरपोर्ट घोटाला। जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर्स के मुंबई और हैदराबाद के ठिकानों पर ईडी के छापे, 705 करोड़ रुपए के हेराफेरी का आरोप। 28 जुलाई 2020 की यह खबर है, इसमें जो डेट लिखी हुई है उसके हिसाब से अगर देखें, उससे पहले भी थोड़े बहुत छापे पड़े थे। अब इसी मुंबई एयरपोर्ट पर कैसे फिर अडानी का कब्जा हुआ इस रेड के बाद, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर एक खबर देखिए। यह खबर है ठीक एक साल बाद 13 जुलाई 2021 को, नव भारत टाइम्स का हेडलाइन है, मुंबई एयरपोर्ट अंडर अडानी ग्रुप। मुंबई एयरपोर्ट पाकर अडानी ग्रुप बना देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर। जानिए कितने एयरपोर्ट है कंपनी के पास, अब वो डिटेल में अब खबर होगी, लेकिन हमारा काम इतना से हो जाता है। पिछले साल रेड, अगले साल अडानी का कब्जा, एक खबर आपने देखा। अब आप अपने स्क्रीन पर द वायर की खबर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, ये 24 सितंबर 2019 की खबर है, एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय के घर सीबीआई का छापा, आरआरपीआर होल्डिंग्स पर भी छापा पड़ा और इससे पहले भी एक दो बार छापे पड़े थे। इसमें क्या बताया गया, प्रणय रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग्स पर बैंक फ्रॉड का आरोप है। हालांकि चैनल का कहना है कि एनडीटीवी और उसके प्रमोटर को झूठे आरोप में परेशान किया जा रहा है, ये खबर है। लेकिन ये रेड तो चलती रही, प्रणय रॉय कर्ज में भी डूबे हुए थे और फिर एंट्री होती है गौतम अडानी की, क्योंकि एनडीटीवी सरकार की, सत्ता की जमकर आलोचना करता रहा और ऐसे में ये मोदी शाह की जोड़ी को ये फूटे आंख सुहाते नहीं थे। फिर यहां पर मित्र की एंट्री होती है, मित्र अडानी साहब ने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया, ये दुनिया भर की खबर बनी। रवीश कुमार ने रिजाइन दिया, कई लोगों ने इसमें रिजाइन दिए। इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर एक और खबर देखिए, नव भारत टाइम्स की खबर है, गौतम अडानी एनडीटीवी टेक ओवर। गौतम अडानी का कब्जा होते ही एनडीटीवी में हड़कंप, फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के साथ 4 डायरेक्टर्स ने दिया रिजाइन। वो क्या करते, उनको रिजाइन देना पड़ता। और यह भी एक खबर थी, एनडीटीवी पर रेड और फिर अडानी साहब का कब्जा, मुंबई एयरपोर्ट के कंपनी मालिकों पर रेड, फिर मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी का कब्जा। एक और मीडिया संस्थान द क्विंट का नाम हर कोई जानता है, द क्विंट के दफ्तर पर भी
रेड पड़ी थी। इसमें आप अमर उजाला की खबर देखिए, द क्विंट के संस्थापक राघव बहल के घर आयकर विभाग की छापेमारी, हर तरफ से हो रही आलोचना, इनके दफ्तर पर, इनके घर पर, हर जगह रेड कर दिया गया। यह खबर आई थी 11 अक्टूबर 2018 को कि द क्विंट के मालिक के घर रेड पड़ती है। अब देखिए द क्विंट में कैसे गौतम अडानी की एंट्री होती है, इसके लिए एक और खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। यह खबर है ऑप इंडिया की। ऑप इंडिया ने इसमें गौतम अडानी ने 49% हिस्सेदारी द क्विंट में ले ली है, उसकी जानकारी दी है। गौतम अडानी के अडानी समूह ने राघव बहल की क्विंट में 49% हिस्सेदारी हासिल की। बहल ने पहले नेटवर्क 18 को मुकेश अंबानी की रिलायंस को बेचा था, लेकिन अब ये देखिए गौतम अडानी की इसमें एंट्री हो गई। खबर है 15 मई 2022, यानी उस रेड छापेमारी के बाद सत्ता ने जांच एजेंसियों का सहारा लेकर कंपनियों पर दबाव बनाया, उन्हें डराया, धमकाया, उन्हें परेशान किया, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को भी परेशान किया जाता है, ठीक उसी तरीके से कॉरपोरेट में भी कंट्रोल करने की कोशिश हुई। और यहां पर वो सब दबाव का नतीजा यह हुआ कि सबने अडानी को अपनी हिस्सेदारी सौंपने में भलाई समझी, सुरक्षित तो भाई साहब रहेंगे। अब आते हैं जरा पोर्ट्स के ऊपर, बात कृष्णा पट्टनम पोर्ट की। जानकारी यह मिली कि इस पोर्ट के जो पुराने मालिक थे, नवयुग समूह हो या केपीसीएल वाले हो, हर किसी पर सीसीआई की कड़ी जांच चल रही थी, ऐसा आरोप लगा है। हमने इसकी जानकारी तलाशने की कोशिश की, हमें मिली नहीं, लेकिन ठीक उसके बाद गौतम अडानी ने धीरे धीरे इसमें अपना प्रसार और अपनी एंट्री शुरू कर दी। पहले 75% सीधे हिस्सेदारी खरीदी गई, अधिग्रहण किया गया, बाद में 25% और कर लिया गया। और कृष्णापट्टनम पोर्ट पर गौतम अडानी के APSEZ का कब्जा हो गया। ये है गौतम अडानी का ये डील। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इसमें जुड़ी हुई है उसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि गौतम अडानी ने सीमेंट कंपनियों में भी अपनी एंट्री की। सीमेंट कंपनी कौन कौन थी? अंबुजा, ACC और अल्ट्राटेक। इन तीनों कंपनियों पर भी जांच बिठाई गई थी और इन तीनों कंपनियों पर भी बाद में अडानी ने कब्जा किया। जांच कैसे शुरू हुई 2020 में, उसके लिए जनसत्ता की यह खबर देखिए। ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू, निवेशकों को हुआ नुकसान। सीसीआई मतलब यह होता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जो इन चीजों को लगातार देखता रहता है, और सीसीआई ने इन तीनों सीमेंट कंपनियों पर जांच शुरू कर दी। अब यह कंपनी के जो मालिक थे वो दबाव में आ गए। फाइनली जो रिपोर्ट आई कि इन तीनों कंपनियों पर अडानी ने कैसे कब्जा जमाया, उसके लिए भी एक खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये जी बिजनेस की खबर है, हेडलाइन देखिए, अडानी ग्रुप ने किया ACC और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण, बनी देश का दूसरा सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। ये कब हुआ इसके लिए भी तारीख देख लीजिए आप, 16 सितंबर 2022, यानी पहले रेड फिर कंपनी पर अडानी का कब्जा। मित्र ने किस तरीके से मदद की वो चीजें अब आप समझ रहे होंगे कि सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत का दुरुपयोग कर किसी कॉरपोरेट को कैसे फायदा पहुंचाते हैं और बदले में कॉरपोरेट कैसे उन्हें चंदे के रूप में उनकी पार्टी को मजबूत करता है, और फिर वही पार्टियां जो आरोप लगती हैं कि हजारों करोड़ फूंक देती है विधायकों की खरीद फरोख्त पर। तो कॉरपोरेट और सत्ता के भ्रष्ट गठजोड़ की इससे बड़ी और भयावह दास्ता और क्या हो सकती है, इसे समझिए जरा। उसके साथ ही साथ आज जो खबर आई, महुआ मोइत्रा ने जो जानकारी दी, उसे भी ध्यान से जानना समझना जरूरी है कि अडानी पावर को इतना बड़ा झटका लगा है, 7017 करोड़ रुपए की एक डील टूट गई है। सीसीआई ने डेडलाइन दे रखी थी, लेकिन अडानी के पास अब लिक्विडिटी फ्लो इतना कम हो रखा है कि वो इस डील को खरीदने के लिए, इस डील को फाइनल करने के लिए भी सक्षम नहीं है। इतना बड़ा नुकसान है तो समझिए निवेशकों का कितना नुकसान हुआ होगा। इस मामले में महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, अडानी पावर्स ₹7,000 करोड़ डील टू बाय DB पावर एसेट्स कोलैप्सेज, ओवर लिवरेज्ड नॉन लिक्विड अडानी नीड्स टू पे डाउन एसेट्स, ट्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी फार हायर, ह्यूज रिस्क इन स्टॉक, NSE इंडिया नीड्स टू डी इंडेक्स, SEBI इंडिया नीड्स टू वेक। इन्होंने कहा है कि अडानी पावर को जो है 7000 करोड़ की डील जो है वो कोलैप्स करनी पड़ी DB पावर के साथ, जो का इनका बड़ा सपना था। ये ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इनके पास लिक्विडिटी फ्लो खत्म हो रखा है।
ऐसे में जो अडानी पावर शेयर बाजार में जिनका भी इसमें इन्वेस्टमेंट है वो नुकसान भारी उठा सकता है। तो महुआ मोइत्रा सेबी से और एनएससी से कह रहे हैं कि इसे डी इंडेक्स कीजिए, बाहर कीजिए इस स्टॉक को, नहीं तो जो भी निवेशक है सबके बाकी पैसे भी डूब जाएंगे, इतना बड़ा नुकसान कौन झेलेगा। गौतम अडानी को लेकर महुआ मोइत्रा ने जिस हिसाब से रिसर्च किया है और हिंडनबर्ग ने जैसे इनकी पोल खोली है, अडानी बिखरते चले गए हैं, टूटते चले गए, उनके मित्रों की पोल भी खुलने लगी है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा था कि जांच एजेंसियों का सहारा लेकर कैसे मोदी सत्ता ने कॉरपोरेट का फायदा कराया, वो साफ दिखने लगा है। तो बीबीसी पर अगर रेड पड़ी है तो क्या बीबीसी का भी अधिग्रहण हो सकता है, गौतम अडानी इसमें कुछ कर सकते हैं? जवाब है नहीं। बीबीसी ब्रिटेन की यूके की एक सरकारी कंपनी है जिसके तहत दुनिया भर में ब्रॉडकास्टिंग का काम दिया गया है। हो सकता है कि उनके अंदर जो बीबीसी स्टूडियो है या अलग अलग कंपनियां चल रही हैं उसमें गौतम अडानी कुछ कर लें, लेकिन बीबीसी जो पूरी तरीके से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उसमें सरकार का पैसा होता है, पार्लियामेंट उन्हें ग्रांट देती है, उस हिसाब से बीबीसी काम करती है। ऐसे में यहां तो अडानी का दाल जो है नहीं गलेगा, लेकिन दाल गल सकता है हिंडनबर्ग पर। हिंडनबर्ग एक प्राइवेट कंपनी है, शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, अमेरिका भी उनसे उतना ज्यादा प्रभावित नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए हिंडनबर्ग का मुंह चुप कराना है तो गौतम अडानी डायरेक्ट कोई डील करके उस शॉर्ट सेलिंग फर्म को खरीद सकते, फिर वहां से पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि अडानी को लगातार झटका लग रहा है और अडानी अपना घाटा पूरा करने के लिए सत्ता का भरपूर उपयोग कर रही है। इन्हें डील करना था, इन्होंने डील कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कोयला बेचकर ये लिक्विडिटी फ्लो बढ़ा रहे हैं, महंगे दामों पर बिजली बांग्लादेश को बेच रहे हैं, तमाम सारी चीजें शुरू हो गई हैं जिसमें गौतम अडानी अपना कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से चीजों को बेचने का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में गौतम अडानी के लिए राहें अभी तो मुश्किल है, लेकिन मित्रों का खेल तो अब खुल्लम खुल्ला सामने आ रखा है। अब आप लोग तय कीजिए गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने देश को क्या दिया और अडानी को क्या दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।